ब्रिटेन में 96 साल की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का आज निधन के बाद अंतिम संस्कार हो रहा है। ब्रिटेन में 57 साल बाद हो रहे राजकीय अंतिम संस्कार में 2000 से भी ज्यादा वीवीआईपीज शामिल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए श्रद्धांजलि संदेश लिखा है। संदेश में उन्होंने लिखा कि लोगों के लिए क्वीन जो है वो जीती रही हैं और उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ब्रिटेन की महारानी अंतिम यात्रा पर हैं। ये शायद सदी की सबसे विशाल अंतिम यात्रा है। इसे अगर तीन शब्दों में समेटना पड़े तो कह सकते हैं अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल से निकली अंतिम यात्रा वेलिंगटन आर्क की ओर बढ़ रही है। इस ऐतिहासिक क्षण को पूरी दुनिया देख रही है। महारानी की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष लंदन में मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत करीब 100 देशों के नेता महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंतिम यात्रा में शामिल हैं। 2000 से ज्यादा वीवीआईपी लंदन में जुटे हैं। 10 लाख लोग महारानी की विराट विदाई का हिस्सा बन रहे हैं। इस मौके पर वहां 250 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि लोगों को पहुंचने में आसानी हो और समारोह में शोर बाधा ना बने, इसलिए 100 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 36 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। ब्रिटेन के नए राजा यानी किंग चार्ल्स III महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताबूत के पीछे पीछे चल रहे हैं। ड्यूक ऑफ सेसेक्स यानी प्रिंस हैरी और उनके भाई विलियम्स यानी प्रिंस ऑफ वेल्स भी साथ हैं। शाही परिवार के बाकी सदस्य भी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी का निधन हुआ था। उन्होंने स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में अंतिम सांस ली थी और लंदन के वेलिंगटन आर्क में परिवार की मौजूदगी के बीच उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।